तो आज प्रश्न नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए प्रश्न नंबर 9 में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे इसे लिखा है वैसे से इसका आकृति बनाते हैं, बना लेते हैं मीनार। ये मीनार हो गया और ये भवन हो गया, ठीक ना? तो ये भवन हो गया, ये मीनार हो गया, ठीक ना? अब लिखा है मीनार के पाद बिंदु से, है ना? इसका पाद बिंदु ये है के से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना? नीचे से ऊपर देख रहे हैं यहाँ, तो कितना अंश का कोण बनना है? 30 डिग्री का, ठीक ना? फिर भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना? ये बोला है 60 डिग्री है, ठीक ना? मीनार 50 मीटर हो, मीनार की देखिए ऊंचाई दे रखी है, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना? इसको ज्ञात करना है। इसको लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक ना? तो एक बार ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, फिर इसके बाद ये छोटा वाला ले लेंगे। तो लिखते हैं, माना माना ए बी भवन की ऊंचाई है एवं सी डी मीनार की ऊंचाई है। ठीक ना? इसे मीनार की ऊंचाई दे रखी है, तो लिखते हैं डी सी बराबर 50 मीटर, और कोण दे रखा है ए सी बी बराबर 30 डिग्री और डी बी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना? अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, तो समकोण त्रिभुज में ये ले लेंगे हम लंब बटे आधार, तो 10 हो गया। तो लिखते हैं 10 60 इक्वल टू सी डी बटे बी सी, है ना? लंब बटे आधार। 10 60 का मान होता है करणी 3, और सी डी दिया है 50, तो बी सी का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना? इसको इधर अदला बदली हो गया, तो हो जाएगा बी सी बराबर 50 बटे करणी 3, ठीक ना? तो बी सी का मान आ गया। अब ये छोटा वाला त्रिभुज लिख लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए अब ये लंब बटे आधार लगाएंगे, तो इसमें भी 10 30 हो जाएगा, ये हो गया ए बी बटे बी सी। 10 30 होता है 1 बटे करनी 3 ए बी बटे बी सी, ठीक ना? अब तिरे गुणा कर लेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे करनी 3 AB बराबर BC, ठीक ना? और BC का मान ये दिया हुआ है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं करनी 3 AB बराबर BC का मान कितना है? 50 बटे करनी 3, ठीक ना? अब ये AB का मान ज्ञात करना है हमको, तो इस करनी 3 को भी नीचे पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो गया AB बराबर 50 करनी 3, और इसका जो करनी 3 था वो नीचे पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो गया करनी 3। इस प्रकार 50 बटे 3 आया, करनी 3 हो गया। अगर इसको संयुक्त भिन्न में लिखें तो ये आएगा, देखिए संयुक्त भिन्न में ऐसे लिख लेते हैं, ये 50, 3 1 कम 3, 2 5, 3 6 18, 2 20, तो इसको लिखेंगे 16 सही 2 बटे 3, शेषफल ऊपर।
ये मीटर हो गया, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई सोलह सहित 2/3 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो पहले दो बराबर खंभे बना लेते हैं। ये रहा एक खंभा और एक खंभा ये रहा, ठीक ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये लिखा हुआ है 80 मीटर। तो ये 80 मीटर लिख लिए, ठीक ना। अब इसमें देखिए लिखा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो कोई एक बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, कोई भी बिंदु लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक ना। तो देखिए अगर अगर देखिए इस यहाँ से अगर इसको मिलाएं, देख ले इसको देख मिला लेते हैं पहले एक बार। देखिए ये मिलाया, मान लिया ये बिंदु था, ठीक ना। और अगर इसको मिलाएं, ठीक ना, तो देखिए ये कोण ज़्यादा है, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये कोण कम है, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये 60 और ये 30 हो गया। अब इसमें नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक ना। और ये बिंदु ले लेते हैं, तो ए बी सी डी हो गया, यहाँ पर ई डाल लेते हैं, ठीक ना। इसको नीचे थोड़ा लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 80 मीटर है, ठीक ना। तो अगर हम माने कि बी ई की दूरी अगर यक्स मीटर है, ठीक ना, कुल दूरी 80 मीटर दिया हुआ है, और इसकी अगर यक्स मान लें तो ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 80 मीटर आ जाएगा, मतलब इसमें से इस टुकड़े इस भाग को एक्स माने हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक ना। तो एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये त्रिभुज निकल ले लेंगे, तो इससे मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको ये देखिए, ये जो लंबाई है ऊंचाई है वो भी यही एच होगा। हाँ, माना ए बी एवं सी डी क्रमशः दो बराबर लंबाई के खंभे हैं, है ना। तो और फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, बी सी सड़क की चौड़ाई है, एवं बिंदु ई से चौड़ाई है, ठीक ना। और सड़क पर कोई बिंदु ई है, है ना, कोई बिंदु ई है, ठीक। अब इसमें लिखते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर एच मान लिया, और बी ई बराबर एक्स, तो सी ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ बी सी दिया हुआ है और बी सी बराबर 80 मीटर। कोण भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ए ई बी बराबर 60 डिग्री एवं कोण डी ई सी बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई में
तो इसमें लेंगे लंब बटे आधार लेंगे तो 10 ले लेते हैं। तो लिखेंगे 10 60 बराबर ए बी बटे बी ई, ठीक ना। तो 10 60 कितना होता है, कर्णी 3 बराबर ए बी को यक्ष माने तो यक्ष ले लेते हैं, और बी ई बराबर इसको यक्ष लिए तो यक्ष ले लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार यक्ष बराबर कर्णी 3 यक्ष आ गया, ठीक ना। अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक ना। वो वाला त्रिभुज लिए तो इसमें भी हो जाएगा 10 30, तो लिखेंगे 10 30 बराबर ये होगा सी डी बटे सी ई। तो 10 30 का मान 1/3 बराबर सी डी यच है तो यच लिख लेते हैं, और सी ई है 80 - x, ठीक ना। अब इसका तिरय गुणा कर लेते हैं, तो तिरय गुणा कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा कर्णी 3 h बराबर 80 - x, ठीक ना। अब यहाँ यच का मान ये जो लिखा है कर्णी 3 x यहाँ पर रख देंगे यच के स्थान पर, तो लिखेंगे कर्णी 3 तो लिखा हुआ है, यच का मान कर्णी 3 x फिर लिख दिया कर्णी 3 x, ठीक ना, बराबर 80 - x। तो देखिए कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 x बराबर 80 - x, यक्स को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा 3 x + x बराबर 80, तो हो गया 4 x बराबर 80। तो यक्स बराबर 80/4, 4 × 1 = 4 × 2 = 8, तो यक्स का मान 20 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब ये हो गया, अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 पर रखेंगे तो देख कितनी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई हो जाएगी, यच गुड़े यच बराबर कर्णी 3 x लिखा हुआ है, तो यक्स का मान कितना आया है ये 20, तो इस प्रकार हो गया 20 कर्णी 3 h बराबर, तो ठीक ना। तो अब इसको शब्दों में लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है 20 कर्णी 3 m, ठीक ना, एवं खंभों से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, खंभों से बिंदु की दूरी देखिए इस खंभे से बात करें तो ये यक्स हो गया, तो यक्स कितना है 20, है ना, 20 एवं और 80 - 20 हो जाएगा, तो 80 - 20 कितना 60 m, है ना। तो 20 m और 60 m की दूरी पर ये दोनों खंभे हैं। तो ये हो गया प्रश्न का, प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए एक लिखा है, इसमें आकृति भी बनी हुई है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। इसमें आकृति में दिया हुआ है ए बी टीवी टावर बना हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 m दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्या बना है इसमें, तो प्रश्न नंबर 11 है, देखिए ये एक टीवी टावर बना हुआ है, चलिए लिख लिए इसको, ये टीवी टावर है, ठीक ना। यहाँ से बोलता है नहर के एक तट पर, देखिए ये नहर है बीच में, और इस तो यहाँ टीवी टावर है, ये नहर है, तो इस तट पर है ना, इस तट पर एक बिंदु से जब इसको देखा इसके शिखर को, तो इसका उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर को देखना,
ठीक ना। तो बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। फिर इसी तरफ तट से कुछ दूरी पर बिंदु डी, कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, अगर ये बिंदु से अगर फिर देखें इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना बनता है, ये 30 डिग्री बनता हुआ है, ठीक ना। तो बोलता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ए बी सी, तो ये आपको पहले ए बी ज्ञात करना है और बी सी है ना, नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं माना ए बी टीवी टावर की ऊंचाई है एवं बी सी नहर की चौड़ाई है, ठीक ना। और सी एवं डी दो बिंदु सी एवं डी हैं जहां से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः, तो कोण बिंदु सी से कितना है 60 है ना, क्रमशः 60 डिग्री और डी से 30 डिग्री है, ठीक ना। तो ये हो गया 30 डिग्री है। अब इसमें लिखते हैं, अब देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसमें लिख लेते हैं, ये वाला पहले छोटा वाला ले लेते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। और तो कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है बस भी। अब देखिए समकोण ए बी सी में देखेंगे तो टेन लगा लेते हैं, तो टेन 60 बराबर ए बी बटे बी सी हो गया, ठीक ना। और टेन 60 का मान कितना होता है, कर्णी 3, तो बराबर ए बी बटे बी सी। इस प्रकार ए बी बराबर कितना आया, कर्णी 3 बी सी आया, ठीक ना। अब अभी पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं त्रिभुज, तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें भी 10 लगा लेते हैं, तो 10 30 बराबर ये जगह ए बी और बटे यहाँ से यहाँ तक पूरा बी डी हो जाएगा, तो ये बी डी हो गया, ठीक ना। अब इस बी डी को हम बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 30 का मान कितना है, 1 बटे कर्णी 3 बराबर ए बी बटे बी डी, ठीक ना। इसका तिरे गुणा कर लेते हैं, तो तिरे गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी है ना, बी डी एक कम बी डी बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कर्णी 3 ए बी हो गया। तो ए बी का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं बी डी बराबर कर्णी 3 गुणे ए बी कितना है, कर्णी 3 बी सी, ठीक ना। लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक ना। तो ये प्राप्त हो गया बी डी बराबर कर्णी 3 कर्णी 3 3 बी सी आया, ठीक ना। अब हमको पूरा बी डी ज्ञात हो गया, तो अगर हम बी सी का मान ज्ञात करना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं बी सी बराबर, ये लिखते हैं बी डी माइनस सी डी है ना, इस पूरे में से अगर इसको हम हटा दें तो बी सी ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं बी डी कितना है, तो बी डी देखिए ये 3 बी सी दिया हुआ है, माइनस सी डी कितना है, तो 20 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो जाएगा बी सी माइनस 3 बी सी बराबर माइनस 20, तो एक में से 3 घटा तो माइनस 2 बी सी आ गया बराबर माइनस 20 आ गया, तो बी सी बराबर 20 बटे 2, तो ये आ गया 10। तो ये हो गई बी सी, मतलब नहर की चौड़ाई 10 मीटर थी। अब देखिए इस बी सी का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो ए बी आ जाएगा, मतलब टीवी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी, तो यहीं लिख देते हैं
बीसी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए एक में रख लेते हैं यहां पर, तो ये लिखा ए बी बराबर कर्णी तीन बी सी है, तो बी सी का मान 10 है, तो इस प्रकार 10 कर्णी तीन ए बी आ गया, ठीक ना। तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं, अतः अतः क्या क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 10 करनी 3 मीटर एवं नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ लिखते हैं 10 मीटर। तो ये इस प्रकार ये हल हो गया। प्रश्न नंबर अब 12 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक ना, जैसे बोला उसे बनाते भी चलते हैं। देखिए यहाँ हम 7 मीटर का एक, ये हो गया 7 मीटर का एक भवन लिख लेते हैं, ठीक ना, ये भवन है के शिखर से, ठीक ना, ये शिखर है इसका, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो मतलब ये इससे बड़ा होगा तब ना इसके उन्नयन कोण को निकाल रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ देखना है तो मतलब इससे ये ऊंचा ही होगा, तो कितना दिया हुआ, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर और इसके पाद का अवनमन कोण है ना, नीचे से ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये टावर है, तो यहाँ टावर लिख लेते हैं, है ना, ए बी सी डी और ई हो गया, ठीक ना, तो यहाँ लिखते हैं, माना ए सी एवं ई डी क्रमशः टावर एवं भवन की ऊंचाइयां हैं, ठीक ना, अब लिखेंगे भवन के शिखर से, क्या लिखा, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं टावर के पाद का, या पाद बिंदु है ना, बॉटम का बोलते हैं, पाद का अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है ना, ये है, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए ये जो लंबाई है, ये ईडी जो 7 मीटर, इतना लंबाई तो ये इतना तो होगा ही बीसी, ठीक ना, ये दोनों बराबर हैं, तो लिख लेते हैं इसमें ईडी बराबर सीबी या बीसी लिख लीजिए, बीसी बराबर ये 7 मीटर होगा, ठीक ना, और ये जो लंबाई है ये इतनी, मतलब चौड़ाई जो भी है इतनी ये हो जाएगी, तो लिखेंगे सीडी बराबर ईबी, ठीक ना, ये बराबर होगा, ठीक। अब देखिए इसमें लिखते हैं, ये समकोण त्रिभुज लेते हैं ये वाला, ठीक ना, पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सीडीई में, तो सीडीई में क्या लगा देंगे, 1045, तो 1045 बराबर लंब कितना है, सीडी ये है, ईडी है, और बटे ये हो गया सी डी, तो 45 का मान 1 होता है और ई डी का मान 7 दिया हुआ है, इस प्रकार ये सी डी का मान कितना हो गया, तो सी डी बराबर 7 प्राप्त हो गया।
ठीक ना, तो ये भी सात हो गया। अब देखिए ये सात है तो ये भी सात हो जाएगा, इस प्रकार ये सात हो गया। अब वो त्रिभुज ए बी ई ले लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो इसमें भी टेन लगा लेते हैं, तो लिखेंगे टेन सिक्सटी इक्वल टू ए बी बटे बी ई, ठीक ना। तो लिखें टेन सिक्सटी का मान करनी तीन और ए बी का मान नहीं दिया, लिखेंगे ए बी बटे, देखिए ये ना इसके बराबर, सात के इसके बराबर है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ सात लिख सकते हैं। क्यों? देखिए बी ई बराबर सी डी है, इसलिए हमने लिखा, ठीक ना। तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी बराबर सात करनी तीन हो गया, ठीक ना, ए बी आ गया। अगर हमको पूरा टावर की लंबाई ज्ञात करनी है या ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी जाएगी, ए बी प्लस बी सी, है ना, टोटल जोड़ेंगे। तो इसमें ए बी हमको कितना प्राप्त हुआ है, सात करनी तीन, और बी सी कितना है, ये बी सी सात के बराबर है ना, तो यहाँ सात लिख देते हैं। तो इसमें से सात उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो बचेगा करनी तीन प्लस एक मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ये रहा लाइट हाउस, कितना है 75 मीटर, है ना। लाइट हाउस से रात को जो जहाज़ें आती हैं ना, उनके लिए रास्ता दिखाने का काम करते हैं। रात को लाइट, बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं, तो जो समुद्र पर के निकट जो जहाज़ें आती हैं वो किसी पत्थर से न टकरा जाएं, इसलिए उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ठीक ना। तो ये लाइट हाउस के शिखर से, मतलब ऊपर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण, है ना, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। तो देखिए इसको पहले ऐसे सीधा क्षैतिज रेखा बना लेते हैं ऐसे, या इसको दृष्टि रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए इससे क्या, पहले अवनमन कोण है, तो दो जहाज यहाँ पर हम कोई भी बिंदु कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ कर लेते हैं, ठीक ना। तो जब देख रहे हैं इसमें, तो पहला कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो देखिए इसका हो गया ये 30 डिग्री हुआ, ठीक ना। तो दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये 30 है, तो ये 30 हो गया, है ना, इस प्रकार हो गया, एकांतर अंतःकोण के कारण वो 30, तो ये 30। फिर बोला है 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये वाला कोण इसके 45 के बराबर हो जाता है, ठीक ना। एक्स ए बी सी और डी हो गया। अब क्या लिखा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना, सॉरी यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक ना। इसको यक्ष ही मान लेते हैं, दो जहाज़ों के बीच की दूरी जो भी है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, प्रश्न नंबर 13 है ये, प्रश्न नंबर 13, ठीक ना। माना ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है, है ना, लिखते हैं माना ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है एवं बिंदु सी एवं डी जहाज की दो स्थितियां हैं, दो जहाज़ों की स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं, ठीक ना। स्थिति बता रहा है कि सी पर एक जहाज है और एक डी पर है। और अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर 75 मीटर दिया हुआ है
और देखिए एंगल यक्स ए डी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री है ना, और एंगल यक्स ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब लिखेंगे, देखिए एक बार ये समकोण ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, फिर ए बी डी ले लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो टेन ले लेते हैं, तो टेन 45 बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा। टेन 45 का मान 1 होता है और ए बी कितना 75 हो गया, और बी सी का मान ज्ञात हो जाएगा, तिर्य गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 75, ठीक ना। अब ये पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में लिख लेते हैं टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी है ना। तो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान हो गया 1/3 बराबर ए बी बटे बी डी हो गया। लिखें 1/3 बराबर 75/BD, तो तिर्य गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो बी डी का मान आ गया 75/3। तो देखिए पूरी बी डी का आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, तो अगर हम इस पूरी दूरी में से अगर बी सी का मान हटा दें तो सी डी ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी है ना, पूरे में से बी सी को हटा देंगे तो सी डी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डी कितना है 75/3 माइनस बी सी कितना दिया हुआ है, तो देखिए बी सी कितना निकालें 75, तो यहाँ लिखेंगे 75, इसमें 75 उभयनिष्ठ है तो यहाँ बचा 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा, तो इस प्रकार लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75/3 माइनस 1 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में लिखा हुआ है, देखिए इसकी आकृति भी बना हुआ है, लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए क्या बनाए, पहले इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ये 14 है, देखिए यहाँ दिया है एक गुब्बारा है, ये बच्चा बच्ची खड़ी है, ठीक ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, ठीक ना। 1.2 मीटर की ये बच्ची है, ये गुब्बारे को देखती है, तो देखिए यहाँ से बनेगा ये, पहले ये गुब्बारा यहाँ पे था, ये गुब्बारा, ठीक ना, कुछ समय पश्चात ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक ना। तो ये हो गया पूरा, ये हो गया। अब इसका इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, ठीक ना, तो पहले कितना था ये 60 डिग्री, अब घट के कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, है ना। गुब्बारा यहाँ था फिर कुछ समय बाद वहाँ पहुँच गया, तो बोलता है कि कितना दूरी तय किया है इसने, ठीक ना। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक ना, और ये ई हो गया, ये हो गया पी क्यू और ये आर हो गया।
ठीक ना। तो हमको इसमें दो त्रिभुज लेना है, ए बी डी और ई सी डी। तो इससे हमको अपना मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए हमको सी डी ज्ञात करना है, ठीक ना, कितना दूरी चला ये। तो इसमें देखते हैं, इस अंतराल के द्वारा, गुब्बारे के द्वारा तय की दूरी। देखिए हमको ये पहले ये बिंदु था, पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर ये गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, तो हमको ये बी सी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो बी सी ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसको लिखते हैं, माना ई एवं ए गुब्बारे की दो स्थितियां हैं, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति थी। और ये हो गया ई डी सी बराबर ई डी बी, लिख लेते हैं, ई डी बी बराबर 60 डिग्री एवं एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। और इसमें देखिए ये जो है डी पी सी क्यू और बी आर ये बराबर है, तो लिख सकते हैं डी पी सी क्यू और बी आर बराबर इस लड़की की लंबाई, तो 1.2 मीटर ये हो गया। और इसमें कितना दिया है, धरती से धरातल से दिया हुआ ये गुब्बारे की ऊंचाई ये दिया है 88.2 मीटर, ठीक ना। तो हमको अगर 88 में यार ये ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, तो हम पूरा 88.2 में पहले 1.2 को हटाएंगे ये वाला, ठीक ना, तब ये हमको ज्ञात हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। इसको 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो हमको ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ये जो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। तो लिखेंगे ए आर बराबर 88.2 मीटर, ठीक ना। तो हमको निकल जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए आर माइनस ए बी, ए आर माइनस बी आर। तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो गया 87 मीटर, ठीक ना। तो ये जो जो ऊंचाई है यही ऊंचाई ये भी काम करेगी, ठीक ना। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ईसी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, ईसी और ए बी के बराबर है। तो अब पहले समकोण ई सी डी लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, तो टेन लगा लेते हैं इसमें, तो टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सी बटे सी डी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो टेन 60 के मान करनी 3 बराबर ई सी कितना दिया है, 87, है ना। ये जो लंबाई ये ऊंचाई है वही ऊंचाई ये भी होगी, तो 87 बटे सी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सी डी का मान ज्ञात करने के लिए सी डी ऊपर और ये नीचे करनी 3, तो क्या करेंगे, इस करनी 3 को परिमेयकरण कर लेंगे, करनी 3 ऊपर करनी 3 नीचे, ये हो जाएगा 87 करनी 3 बटे 3, है ना, करनी 3 करनी 3 3 हो गया। इसको काटेंगे 3 × 6 = 7 × 8 = 3 × 9 = 27, तो हो गया सी डी बराबर 29 करनी 3, ठीक ना। अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें लगाएंगे 10 30, 10 30 बराबर ए बी बटे बी डी, ठीक ना। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1 / करनी 3 बराबर, और ए बी कितना, 87, और बी डी ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार बी डी का मान आया 87 / करनी 3 आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा बी डी पूरा हमने निकाल लिया और सी डी हमने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक ना। तो हमको बी सी अगर ज्ञात करना हो तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी डी माइनस सी डी, तो बी डी का मान कितना है, इतना है। तो लिखेंगे 87 / करनी 3 - सी डी कितना है, 29 / करनी 3,
तो इस प्रकार 87 में 29 घटाएं कितना जाएगा, 87 माइनस 29 ये हो गया 8 3 5, ये हो गया 58, करनी 3 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, लिखेंगे अतः गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 करनी 3 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये एक मीनार है, मीनार है, ये मीनार हो गया, ठीक ना। अब देखा मीनार के, अब देखिए एक सीधा रास्ता है, ये सड़क है ये, ठीक ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी ऊपर से देख रहा है एक कार का को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक ना। तो देखिए ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक ना, या दृष्टि रेखा हो गई। यहाँ से अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन कोण हो गया, तो एक कार का ही अवनमन कोण कितना हो गया, तो ये बोला है 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। और फिर बोलता है कुछ समय बाद, मतलब कितने, 6 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड दिया हुआ है के बाद इसका कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री अवनमन कोण हो जा रहा है, ठीक ना, ये 60 तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो इसमें बोलता है कि अब बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसके पाद तक, मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो बोलता है अगर पहले 30 डिग्री पर देख रहा था तो 30 डिग्री से 60 डिग्री में होने में 6 सेकंड लग गए। तो बोलता है अब 60 डिग्री से अब इसके पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो इसके द्वारा कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो लिखते हैं ए बी सी डी, लिखते हैं इसको, माना देखिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा बनाइएगा ऐसे, ठीक ना, ऐसे हो गया। लिखेंगे माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, एवं बिंदु डी एवं सी कार की अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर स्थिति है, है ना। तो इसके बाद लिखते हैं, देखिए क्या दिया है, कोण यक्स ए डी बराबर ए डी बी बराबर 30 डिग्री और यक्स ए सी बराबर ए सी बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। और सी से डी तक कार को आने में लगा कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो लिखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, बिंदु डी से बिंदु सी तक कार को पहुंचने में लगा समय, ठीक ना, लगा समय कितना है, ये हो गया 6 सेकंड लगा हुआ है, ठीक ना। तो पहले क्या करते हैं, ए वाला त्रिभुज निकाल, हमको यहाँ से निकालना है कि सी से बी तक जितना जितना दूरी है इसको चलने में इस कार के द्वारा कितना समय लगा है। तो हम पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर ए बी डी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में,
ठीक ना, तो मीनार की ऊंचाई दिया है कि नहीं? ठीक ना, कुछ नहीं दिया है। तो लिखते हैं 1060 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। तो 1060 कितना होता है? रूट थ्री बराबर ए बी बटे बी सी। तो बी सी का मान कितना हो गया? ए बी बटे करने तीन। ठीक ना, ये बी सी का मान हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ये पूरा बढ़ा लेंगे। तो इसमें भी 1060 ले लेते हैं। 1030 बराबर ए बी बटे बी डी, है ना, पूरा बी डी कितना है? तो इसको लिख लेते हैं 1030 का मान एक बटे करनी तीन बराबर ए बी बटे, और बी डी है तो बी डी कितना हो जाएगा? बी डी को बी डी ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब तिरय गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी डी बराबर करनी तीन ए बी हो गया, ठीक ना, इतना हो गया बी डी बराबर करनी तीन ए बी। अब हमको ये सी डी ज्ञात करना है, ठीक ना। बी सी तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, अब सी डी देखते हैं कि ये दूरी है कितनी। तो लिखते हैं सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, ठीक ना। तो पूरे में से तो पूरा बी डी कितना है? करनी तीन ए बी माइनस, अब बी सी कितना है? तो अपना बी सी है ए बी माइनस करनी तीन, ठीक ना। तो करनी तीन गुणा करनी तीन में करेंगे तो तीन आ जाएगा। तो तीन ए बी माइनस ए बी, ये पूरे के बट्टे करनी तीन हो जाता है, ठीक ना। इसका बड़ा इसमें करके लेंगे तो पूरे के बट्टे करनी तीन हो जाता है। तो तीन में से एक गया तो टू ए बी बटे करनी तीन, तो ये हो गया सी डी की दूरी, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या लिखना है, यही लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए लिखते हैं, चूंकि देखिए इसमें लिखा है सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगा है इसको, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि दूरी सी डी, सी डी कितना दिया लिख लेते हैं, 2ab बटे रूट थ्री को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तो समय कितना है? 6 सेकंड है, ठीक ना। तो अब बताइए बीस अगर किसी चीज़ में दिया हो कि ये दूरी तय करने में इतना समय लगा तो ये दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो एक एक नियम के तहत लगता है। तो लिखेंगे इसलिए बी सी, है ना, बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी दिया है ए बी बटे करनी तीन को तय करने में लगा समय, तो लगा समय कितना हो जाएगा? देखिए एक एक नियम से लगता है ये 6 ऊपर रहेगा बटे ये जो होगा वो नीचे जाएगा। तो लिखते हैं 2ab बटे करनी 3, और जिस चीज़ का पूछता वो आगे लगता है, तो यहाँ लिख लेते हैं ab बटे करनी 3, ठीक ना। तो इसको अगर हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको यहीं हल कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 6 बटे 2ab, ठीक ना, और ये बटा मेन बटा बटा के बटा में है तो करनी तीन ऊपर चला जाएगा, तो हो गया करनी तीन ऊपर चला गया गुड़े ए बी बटे करनी तीन हो गया, ठीक ना, ए सी के ऊपर है। तो देखिए ab कट गया, करनी तीन कट गया, 2 × 1 = 2 तो मतलब 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न 15 हो गया। एक अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में लिखा है मीनार के आधार से, तो ये रहा मीनार, उसके आधार से यहाँ से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, है ना, दो बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु ये मान लेते हैं और एक बिंदु ये दूरी कितनी है? ये है 4 मीटर, और ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना, और ये 4 दिया हुआ है।
तो बोलता है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो एक कोण ये हो गया, ये बनेगा इससे, ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक ना। तो पूरक कोण लिखा हुआ है, तो पूरक कोण देखें क्या होता है। तो दो दो पूरक कोण, दो कोण पूरक कोण तब कहलाते हैं जब इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे यदि 30 डिग्री है तो एक 60 डिग्री होगा, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो बोलेंगे कि 30 का पूरक 60 है और 60 का पूरक 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये दोनों पूरक कोण हो गया। तो इस प्रकार अब इसको मान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है एवं मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 4 मीटर एवं 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु सी एवं डी हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसका पूरक कोण दिया हुआ है, तो देखिए पूरक कोण क्या होगा, लिखें माना पहला पूरक कोण, लिख लेते हैं यहाँ पर थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक ना, 90 माइनस थीटा। तो आप इसमें से किसी को भी थीटा और 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, ठीक ना, किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ भी यहाँ ले सकते हैं माइनस 90 माइनस थीटा यहाँ ले सकते हैं, चाहे वहाँ थीटा लिख दीजिए सेम हो जाएगा। तो पहला कोण, तो इस प्रकार हो गया कोण ए सी बी बराबर थीटा एवं एंगल ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक ना। दो संपूर्ण इसमें देखिए सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए, ठीक ना। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में 10 लगा लेते हैं, तो 10 थीटा बराबर ए बी बटे 4, पहले लिख लेते हैं ए बी बटे बी सी लिख लेते हैं, तो ए बी बटे बी सी है, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर ए बी बटे बी सी कितना है 4। तो ये समीकरण एक हो गया। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ए बी डी में, है ना, बड़ा वाला ले लिया पूरा, तो लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, है ना, ए बी बटे पूरा बी डी ले लिया, तो ये हो जाएगा 10, देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा, है ना, इसके पहले के प्रश्नावली में पढ़ा है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया हमने, तो ये होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक ना। तो इसको लिख लिया तो हो जाएगा ए बी कितना, ए बी तो ए बी ही है, ये चीज 9 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए 10 ये कॉट को हम 10 में बदलेंगे तो जगह 1/10 थीटा बराबर ए बी बटे 9, ठीक ना। तो अब ये 1/10 हो गया, तो अब देखिए इसको उलटेंगे तो ये भी उलट जाएगा, देखिए इसको लिख लेते हैं, लिखा इसमें देखिए 10 थीटा कितना माना जाएगा, 10 थीटा बराबर 9/ab, ठीक ना, इसको उल्टा तो ये भी 9/ab हो गया। तो समीकरण दो देखिए इस प्रकार, देखिए समीकरण एक और दो में बायां पक्ष दोनों बराबर है, 10 थीटा 10 थीटा, तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से क्या हो जाएगा ए बी बटे 4 बराबर
9 बटे ए बी, तो तिरे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। ए बी बराबर करनी में 36 है ना, वर्ग है तो वर्गमूल बन गया, तो ए बी बराबर 6 मीटर आया। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक है ना, यही हमको सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।